का वीडियो हमारा है, ये ISC 11th 12th की पोएम है, ये वी आर द म्यूजिक मेकर्स। ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है, इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। अब ये पोएम है किसके लिए? ये पोएम है आर्टिस्टों के लिए, जितने भी दुनिया में आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। तो अब आर्टिस्ट होते कौन है? अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी पोएट हैं, जितने भी पेंटर्स हैं, जितने भी मूर्ति बनाने वाले हैं, स्कल्प्टर्स हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी डांसर हैं, ये सारे आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे आर्टिस्ट हैं। और ये पोएम जो है ना, एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है कि एक रिस्पेक्ट के फॉर्म में लिखी गई है। मतलब हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्टिस्टों को। ठीक है, आर्टिस्ट कौन कौन है ये मैंने आपको बता दिया। जितने भी म्यूजिक जो गाना गाने वाले हैं, जो डांस करने वाले हैं, जो पेंटिंग करने वाले हैं, जो मूर्ति बनाने वाले हैं, जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। तो ये उनको ट्रिब्यूट है, ये पोएम है। अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि इस पोएम में क्या है। तो पहली चीज है, वी आर द म्यूजिक मेकर्स एंड वी आर ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स। कह रहे हैं कि हम बनाते हैं म्यूजिक। आर्टिस्ट कह रहे हैं कि हम, ये जो पोएट कह रहा है, ये पोएट भी कह रहा है कि जो वी किसको बोल रहा है, ये वी बोल रहा है आर्टिस्ट को। किसको बोल रहा है? ये वी बोल रहा है। अब आर्टिस्ट में कौन आता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एड्रेस कर रहे हैं कि हम जो आर्टिस्ट हैं, हम म्यूजिक बनाते हैं और हम ड्रीमर हैं। देखो आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट एक ड्रीमर होता है, इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है, सपने देखता है वो। भाई जितने भी कवि हैं, जो राइटर्स हैं, जितने भी पोएट हैं, ये ड्रीम ही तो करते हैं। एक ड्रीम वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं एक आगे के वर्ल्ड के बारे में, एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में जिन्हें हम आंखों से सेंस नहीं कर सकते, ये उस वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, तो ड्रीमर कहलाए जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा है वी आर द ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स। वी किसके लिए बोल रहा है? ये वर्ड यूज हो रहा है वी बार बार, ये बार बार ये जो वर्ड यूज हो रहा है वी, ये यूज हो रहा है आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, ये वर्ड वी किसके लिए यूज हो रहा है? आर्टिस्ट के लिए। वेंडरिंग बाय द लोनली सी ब्रेकर्स एंड सिटिंग बाय डेसोलेट स्ट्रीम्स। अब देखो थोड़ा सा एक चीज समझो, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको नॉर्मल सोसाइटी से वो हटके रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई भी दुनिया में अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं, थोड़ा सोसाइटी से अलग रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अकेले, थोड़ा अलग थलग रहते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप देखोगे तो ये किसी एक बहुत अच्छे नेचर के पास रहते हैं, गांव वगैरह में रहेंगे, ये ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पे नदी वदी बहरी होगी, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे होंगे, तो सोसाइटी से हटके रहते हैं, नॉर्मल लोगों से हटके रहते हैं, अकेला रहते हैं ये। ठीक है, समुद्र के पास आपको मिल जाएंगे इनके घर। ठीक है, तो ज़्यादातर इसलिए ये बोल रहे हैं वेंडरिंग बाय द लोनली सी ब्रेकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये अकेले रहते हैं, लोनली रहते हैं ये, लोनली इन द सेंस सोसाइटी से हट गए, नॉर्मल लोगों की तरह, ये हमारी तरह, जैसे आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह नहीं होंगे। एक आर्टिस्ट हमेशा आपको अकेला दिखाई देगा, क्योंकि ये बात भी सच है, दुनिया की जो बेस्ट आर्ट है वो तभी निकलती है जब आदमी अकेला रहता है। आप दुनिया में भीड़ के बीच में रहोगे तो कभी आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप बहुत अच्छी आर्ट सोच ही नहीं पाओगे। आपको मान लो एक पोईम लिखनी है, अगर आपको कोई अच्छी राइटिंग लिखनी है, तो 10 लोगों के बीच में बैठे कौन लिखोगे आप? अकेलापन चाहिए, शांति चाहिए, वो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेट ऑफ माइंड तभी बनता है जब आदमी अकेला होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं वेंडरिंग बाय द लोनली सी ब्रेकर, हम अकेले रहते हैं, हम लोनली रहते हैं। ठीक है, एंड सिटिंग बाय पास, हम किसके पास बैठते हैं? डेसोलेट स्ट्रीम्स। डेसोलेट मतलब होता है उजाड़। हम आपको वहां पे उन नदियों के पास मिल जाएंगे जहां पे कोई नहीं मिलेगा आपको, ऐसी ऐसी जगह पे आपको आर्टिस्ट मिलेंगे जहां नॉर्मल लोग नहीं जाते, अकेले रहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोर्सेकर्स अपॉन हुम द पेल मून ग्लीम्स। अब देखो ये वर्ल्ड लूजर और वर्ल्ड फोर्सेकर क्यों बोल रहे हैं? कि ज्यादातर क्या होता है, जो दुनिया होती है ये इनको बहुत अच्छा मानती नहीं है कभी भी। आर्टिस्टों की जो पहचान होती है ना, ज्यादातर उनके जीते जी नहीं होती, उनके मरने के बाद आर्टिस्ट की पहचान होती है, क्योंकि नॉर्मल सोसाइटी आर्टिस्ट की पहचान कर नहीं पाती। आर्टिस्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड आदमी होता है, बहुत जीनियस होता है, लेकिन दुनिया उसको पहचान नहीं पाती। तो ज्यादातर आप देखोगे आर्टिस्टों ने सोसाइटी में हमेशा बहुत टॉर्चर सा है। ठीक है, दुनिया उनको साइड में कर देती है, दुनिया उनको एक तरीके से अबैंडन कर देती है। तो वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोर्सेकर, ठीक है, कि दुनिया, इसलिए बोला जा रहा है उनको वर्ल्ड लूजर एंड वर्ल्ड फोर्सेकर, कि दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। अपॉन हुम द पेल मून ग्लीम्स, ग्लीम्स मतलब शाइन। देखो ये थोड़ा सा, ये बड़ा अच्छा यहाँ लाइन है, पेल मून ग्लीम्स। ठीक है, पेल मून ग्लीम का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? ये एक वर्ड होता है इंग्लिश में लुनेटिक, लुनेटिक वर्ड आया लूनर से, जिसका मतलब होता है, लूनर का मतलब होता है मून, और लुनेटिक का मतलब होता है पागल, मैड आदमी।
ठीक है, तो कहते हैं ऐसा माना जाता था पहले कि जिसके ऊपर मून पड़ता है, मून की रोशनी तेज पड़ती है, वो आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था माइथोलॉजी में। तो अभी इसलिए कह रहे हैं, ये कहते हैं कि दुनिया हमको पागल समझती है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया ये वर्ड, अपॉन हुम द पेल मून शाइन्स, जो मून की जिस पर रोशनी पड़ती है, क्योंकि माना जाता था कि जिस पर मून की रोशनी तेज पड़ेगी वो आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, ये मिथोलॉजी में चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा माना जाता है। इसको चंद्र, हिंदी में चंद्रमारा बोलते हैं, कि चांद ने इसको बहुत तेज रोशनी से देखा, चांद की रोशनी से बहुत तेज पड़ी और ये आदमी पागल हो गया, तो इसलिए वर्ड निकला है लुनाटिक। इंग्लिश वर्ड इसको लुनाटिक बोलते हैं, लुनाटिक का मतलब होता है मैड। ये वर्ड बना किससे है, मून से, जिस पे मून की रोशनी तेज पड़ी वो लुनाटिक है, मैड है। तो ये कहते हैं कि दुनिया हमको पागल समझती है, इसका मतलब ये है। अपॉन हुम द पेल मून ग्लीम्स मतलब क्या है, एक तरीके से लुनाटिक, ये बोलते हैं कि हमें लुनाटिक समझा जाता है, हमें पागल समझा जाता है। आर्टिस्टों को जनरली दुनिया पागल समझती है, आप देखोगे उनका हुलिया तुलिया भी ऐसी होता है, अलग तरीके से रहते हैं, नॉर्मल आदमी तरह रहते नहीं है वो। एक्चुअली में पागल नहीं होते वो, टाइम से पहले होते हैं, वो अपने टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। ये बहुत फ्यूचर के लोग होते हैं और बहुत जीनियस होते हैं, बहुत हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये अपने टाइम से पहले पैदा होते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें समझ नहीं पाते। भाई अब अभी मान लो अगर आप बातें करो आज से 100 साल आगे की टेक्नोलॉजी की, तो आपके आसपास वाले क्या कहेंगे, ये तो पागल आदमी है, कहाँ की बातें कर रहा है, 100 साल आगे की बातें कर रहा है, क्योंकि आसपास वाले आपके इंटेलेक्ट को मैच नहीं कर पा रहे, आपके टैलेंट को मैच नहीं कर पाते, इसलिए आपको पागल कह देते हैं। तो आर्टिस्टों के साथ हमेशा यही हुआ है, वो कह रहे हैं कि दुनिया में पागल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी येट वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स। वो कहते हैं दुनिया में भले ही कितना भी पागल कहती रहे, बट दुनिया को बनाने वाले हम ही हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, दुनिया को एक आर्टिस्ट ही बनाता है। अगर सोचो आप दुनिया से म्यूजिक हट जाए, आप पूरे जब भी आप स्ट्रेस में आते हो गाने सुनते हो, अगर दुनिया से मूवी हट जाए, म्यूजिक हट जाए, मूवीज हट जाए, ठीक है, राइटिंग हट जाए दुनिया की सारी, आप सोचो किताबें हट जाए, पोइम्स हट जाए, पेंटिंग हट जाए, तो दुनिया क्या रह जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगी दुनिया, ये दुनिया फिर जीने लायक नहीं रहेगी। इस दुनिया में से जो टेस्ट होता है वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, रस नहीं होगा इस दुनिया में, जो जूस होता है वो दुनिया का वो खत्म हो जाएगा। तो ये कहते हैं दुनिया को चलाने वाले हिलाने वाले हम ही हैं, भले ही आप हमें पागल कहिए, लेकिन दुनिया को चलाते हम ही हैं, दुनिया को हिलाते हम ही हैं, क्योंकि हम आगे का सोचते हैं, विजनरी होते हैं ये, नॉर्मल उसमें फॉल नहीं करते, ये आगे का सोचते हैं, विजनरी लोग होते हैं। ठीक है, विद ट्रुथ विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज वी बिल्ड अपॉन द वर्ल्ड ग्रेट सिटीज। वो कह रहे हैं डिटीज मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है, छोटा सॉन्ग होता है। वो कह रहे हैं हमने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, और जो डेथलेस है उनकी डेथ नहीं होगी, इंसान तो मर जाता है, पर इंसान का जो काम होता है, आर्टिस्ट का जो काम होता है वो डेथलेस है, वो उसके मरने के बाद भी याद रहता है, वो उसका काम नहीं मरता, उस आर्टिस्ट का शरीर मर जाएगा पर उसका काम हमेशा जिंदा रहेगा, उसका काम अमर रहेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं हमने ऐसे गाने गाए हैं जो डेथलेस हैं, हमने दुनिया के बड़े बड़े शहर बनाए हैं। ठीक है, एंड आउट ऑफ अ फेबलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर ग्लोरी, वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन एंड थ्री विद अ न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एनिमी डाउन। अब देखो क्या कहने है? इस क्या मतलब इनका कि हमने दुनिया के बड़े शहर बनाए हैं, या यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने एक अंपायर की ग्लोरी बनाई है। देखो मान लीजिए कि एक राजा है, अब राजा बहुत ड्रीम एम्बिशियस होता है, राजा एम्बिशियस होगा और वो अपने एम्बिशन के दम पे एक किंगडम खड़ा कर लेगा, और वो किंगडम को एक्सपेंड भी कर देगा, दूसरे आसपास के राजाओं को मार गिराएगा, अपना किंगडम एक्सपेंड करता जाएगा अपने अपने एम्बिशन से, अपने ड्रीम से। तो ये इसका इनका कहने का मतलब है, एज फैशन एंड एम्पायर्स ग्लोरी वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फॉर एंड कॉन्कर अ क्राउन। मतलब यहाँ पे ये है, वो कह रहे हैं एक राजा अपने एम्बिशन के बेसिस पे अपना किंगडम बड़ा कर सकता है, अपने किंगडम को बहुत फैला सकता है, अपने आसपास के जो राजा हैं उनको हरा के लड़ाई में अपने किंगडम को एक्सपेंड कर लेगा, बहुत आगे पहुंचा देगा, सब कुछ कर लेगा। ठीक है, लेकिन वो कितना भी बड़ा किंगडम बना ले, पूरी दुनिया पर राज कर ले, लेकिन एक आर्टिस्ट उसके किंगडम को गिरा सकता है। कैसे करा सकता है, आप देखिए कभी भी आपको हमेशा दिखाई देगा हर एक बड़े अंपायर में, जब भी कोई राजा होता है, राजा मान लो ठीक नहीं है, क्रूअल राजा है, तो कुछ ना कुछ आर्टिस्ट जरूर होते हैं जो उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। मान लीजिए जैसे हिटलर था, हिटलर का टाइम ले लेते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का टाइम था, ये 1940s के आसपास के टाइम पे था। ठीक है, तो ये वाला टाइम पीरियड था उसका, ये वाला पूरा। अब इस टाइम पे ये बहुत क्रूअल आदमी था,
इसने बहुत अत्याचार किया लोगों पे। लेकिन इसी के टाइम पे जर्मनी में ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने उसके खिलाफ लिखा, जिन्होंने बताया कि हिटलर सही नहीं कर रहा, हिटलर गलत कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही रशिया में था एक स्टालिन, ये भी एक डिक्टेटर था। तो ये सब क्या थे, एक तरह के राजा थे, डिक्टेटर थे, लेकिन कितना भी बड़ा इनका अंपायर हो और कितना भी बड़ा, ये हिटलर तो पूरी जर्मनी पर राज करता था और स्टालिन पूरी रशिया पर राज करता था। रशिया दुनिया का नंबर वन कंट्री है, अगर आप उसमें देखोगे एरिया वाइज सबसे बड़ा है रशिया। तो स्टालिन तो पूरी रशिया पर राज करता था, लेकिन एक आर्टिस्ट यानी कि एक राइटर उसको हिला सकता है, उसके बारे में क्रिटिसाइज कर सकता है कि ये स्टालिन ठीक नहीं है, लोगों को मार रहा है, तो उसके खिलाफ क्या करो, रिवोल्ट करो, अगली बार उसको जिताना नहीं है। ठीक है, तो भले ही आप कितना बड़ा अंपायर बना लो, लेकिन एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के थ्रू, चाहे पेंटिंग बना देगा, चाहे राइटिंग लिखेगा, या ऐसा गाना बनाएगा जो दिखाएगा कि आप जो किंग है वो गलती कर रहा है, तो एक आर्टिस्ट उसके किंगडम को हिला सकता है। ठीक है, चाहे वो राजा भले ही कितना भी ताकतवर हो। तो ये बता रहे हैं कि हम कि एक राजा अपनी एम्बिशन से भले ही अपना किंगडम कितना ही बड़ा बना ले, लेकिन अगर आर्टिस्ट चाहे तो उसके किंगडम को, एम्पायर को डाउन कर सकता है, मिट्टी मिला सकता है। ठीक है, तो ये मतलब है। एंड थ्री विद अ सॉन्ग, न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एनिमी डाउन, नीचे गिरा सकते हैं हम उसको, उसके राजा के किंगडम को। कौन गिरा सकता है? आर्टिस्ट गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है। वी इन द एजेस लाइंग इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ बिल्ट निंद निवे विद अवर साइंग एंड बाइबल विद अवर मर्थ। मर्थ मतलब होता है हैप्पीनेस, साइंग मतलब यहाँ पे मतलब होता है काफी डिफिकल्टी से, काफी डिफिकल्टी से हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ मर्थ का मतलब खुशी है, हैप्पी। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो पुराने टाइम से लेके अभी तक चला जा रहा आ रहा है। और बरीड पास्ट ऑफ अर्थ मतलब क्यों कह रहे हैं, एक्चुअल में देखो ये दो सिटी हैं, निनेवा और बेबिल। ठीक है, ये अगर आप देखोगे ज्यूज और क्रिश्चियंस के जो स्क्रिप्चर्स हैं वहां पे इनका मेंशन है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ओल्ड सिटीज हैं। क्या हैं ये ओल्ड सिटीज हैं। तो ये अब ओल्ड सिटीज बनाए किसने थे, आर्टिस्टों ने बनाए थे, बहुत पुराने सिटी हैं, बहुत पुराने। ठीक है, हजारों हजारों साल पुराने सिटी हैं ये शहर। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो काम है ना वो कहाँ पे है, एजिस मतलब बहुत पुराने टाइम से हमारा काम है, और कहाँ है वो, बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ मतलब पुराना है। तो इन्होंने जो ये जो शहर बनाए बेबिल और नेवे, ये बहुत पुराने शहर हैं, हजारों साल पुराने हैं। तो कह रहे हैं हमारा काम तो अभी भी हजारों साल पुराना होने के बावजूद भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हमने बहुत डिफिकल्टी से करा वो काम, बहुत मेहनत करी, सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन सारे इकट्ठे हो गए, हमने ये जो शहर बनाया ये हमें बहुत खुशी हुई जब ये शहर हमने बनाया। तो ये तो शहर बनाए थे इन्होंने, हजारों साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी उनका काम इतना हजारों साल पुराने होने के बावजूद भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं आगे, एंड ओवरटर्न देम विद प्रोफेसाइजिंग टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ। वो कह रहे, अब देखो यहाँ पे बड़ी सही चीज है, इन्होंने शहर बनाए, इन्होंने अंपायर बनाए, पोइट्स ने, सॉरी आर्टिस्टों ने, आर्टिस्टों ने बहुत बड़ा बढ़िया काम किया, बड़े बड़े शहर बनाए, बड़े बड़े अंपायर बना दिए, लेकिन साथ ही साथ ये उनको गिरा भी देते हैं। गिरा कैसे देते हैं, क्योंकि जो उनका वर्क होता है ये उसके आगे सोचते हैं। फिर जैसे मान लीजिए एक आर्टिस्ट ने एक काम करा, उसने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, लेकिन अब थोड़े दिन बाद, 3 4 दिन बाद उसको बहुत और बेटर पेंटिंग दिमाग में आई, उसने कुछ और इमेजिन किया, तो वो और बेटर पेंटिंग बना देगा, और बेटर पेंटिंग बना दी, उसने पेंटिंग 2 बना दी। मान लो ये पेंटिंग 1 थी, अब ये वाली पेंटिंग बहुत बेटर है, तो ये जो पेंटिंग है जो बेटर है पुराने वाले वर्क इसकी पेंटिंग से, तो ये अपने ही वर्क को क्या कर रहा है, एक तरीके से उसकी वैल्यू कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है, क्योंकि अब ये बेटर बना पा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नया बना पा रहा है। तो आर्टिस्ट हमेशा कुछ नया बनाते हैं, और जब वो नया बनाते हैं तो उनका जो पुराना वाला है वो फिर एक तरीके से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है, ये ओवरटर्न कर देते हैं अपने ही काम को जब ये कुछ नया करते हैं। ठीक है, प्रोफिसाइजिंग मतलब होता है कुछ आगे के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना। तो ये अपने ही काम को जो आगे के लिए, जो ये अपना जो ओल्ड वर्क होता है उसकी वैल्यू कम कर देते हैं क्योंकि कुछ नया करते हैं। तो आर्टिस्ट हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है, तो जैसे ही वो कुछ नया करेंगे फ्यूचर के लिए करेंगे, तो जो पुराना काम है वो उनका उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से वो बेकार हो जाएगा, तो उसी को डाउन कर देंगे अपने ही काम को। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आर्टिस्टों का नेचर है, आर्टिस्ट कभी भी एक से सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो हमेशा इमेजिन करता रहता है, हमेशा इमेजिन करेगा, कुछ ना कुछ नया सोचेगा,
वो कुछ ऐसा सोचेगा जो आने वाले 50 साल 100 साल की आगे की चीज होगी, आप और हम तो सोच ही नहीं पाएंगे। वो इतना टैलेंटेड और इतना जीनियस होता है एक आर्टिस्ट। आर्टिस्ट सबसे ज्यादा जीनियस और सबसे टैलेंटेड इंसान जो सोसाइटी का होता है वो एक आर्टिस्ट ही होता है, क्योंकि वो आगे का सोचता है, वो एक विजनरी होता है। ठीक है, फिर फॉर ईच एज इज अ डीम दैट इज डाइंग और वन दैट इज कमिंग टू बर्थ। ठीक है, तो ये क्यों कह रहे हैं, देखिए जब ये प्रेजेंट में कुछ बनाता है तो ये पास्ट को खत्म कर देता है। भाई पास्ट जब खत्म होता है तभी तो प्रेजेंट बनेगा, और फिर ये प्रेजेंट से अपना फ्यूचर, फिर ये कुछ नया बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो जब फ्यूचर बनाते हैं तो प्रेजेंट खत्म हो जाता है। तो यही कहने का मतलब है, फॉर ईच एज इज अ ड्रीम दैट इज डाइंग। ये वाली जो एज है, प्रेजेंट एज जो होती है, वो कब बनती है, जब पास्ट की, जब पास्ट खत्म होगा तभी तो प्रेजेंट आएगा। और फिर वो कहते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो प्रेजेंट में भी नहीं रह पाते, वो फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, हमेशा फ्यूचरिस्टिक होते हैं, विजनरी होते हैं, इमेजिन करते हैं, अपने टाइम से पहले होते हैं ये लोग पैदा। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। तो गाइज ये थी यहाँ पे पोइम। पोइम अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।